दस्तारगंज के बिजली कार्यालय में फिर आज कांग्रेसी नेता नारायण पाल के नेतृत्व में शक्ति फार्म व सितारगंज क्षेत्र के दर्जनों ग्रामीणों ने बिजली बिल अधिक आने के विरोध में बिजली विभाग के अधिकारियों का किया घेराव। नारायण पाल ने एक माह तक सितारगंज के विभिन्न गांवों में बिजली विभाग द्वारा कैंप लगाकर बिजली के बिल ठीक करने की दी चेतावनी, नहीं तो होगा कार्मिक अनशन, जिम्मेदार होगा बिजली विभाग। सितारगंज के बिजली विभाग कार्यालय में कांग्रेसी नेता नारायण पाल के नेतृत्व में सितारगंज ब्लॉक के दर्जनी ग्रामीणों बिजली विभाग के अधिकारियों का घेराव करते हुए कहा कि इससे पूर्व भी दो बार बिजली के अधिक बिल ग्रामीणों के आने को लेकर वार्ता हो चुकी है, लेकिन अधिकारी कुछ करने को तैयार नहीं है। अब एक माह तक बिजली विभाग क्षेत्र में कई गांवों में कैंप लगाकर बिजली के बिल कम करें, नहीं तो 8 जुलाई को अनशन किया जाएगा। आज बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता नरेंद्र सिंह टोलिया व बिजली विभाग के अवर अभियंता चंदन सिंह से वार्ता की गई है, तो उनके द्वारा बताया गया कि 8 जुलाई तक बिजली विभाग द्वारा कैंप लगाकर बिजली के बिल कम किए जाएंगे और उसके बाद आखिरी कैंप कार्यालय में भी बिजली के बिल ठीक किए जाएंगे। समस्या है यहाँ बिना मीटर के बिल आ जाते हैं, और दूसरी बात यह है कि हजारों लोग ऐसे हैं जिनके बिल है, जो मजदूर टाइप के लोग हैं, उनके 40-40, 50-50 हज़ार के बिल आ जाते हैं। मैंने पिछले एक महीने से थोड़ा संज्ञान लेने की कोशिश की और मैं बहुत ही दिलचस्पारी हूँ CMD श्री VKS मिश्रा जी का, जो इन्होंने संज्ञान लिया है, और मैंने कुछ अधिकारियों के बारे में कहा भी है इन्हें हटाना जरूरी है, तो बहुत पहले से यहाँ है ट्राई टोलिया जी आए हैं, और मैं निश्चित रूप से ये कहता हूँ कि हर एक्टिविटी जो इंजीनियर है वो आमतौर पर एक शालीन और एक अच्छा आदमी है। एक टोलिया जी भी अच्छा आदमी है, लेकिन अच्छा आदमी है क्या करना है, जनता का कर गरीबों को अगर रेट नहीं मिलेगा। और आमतौर पर मैंने पिछले बार भी शिकायत की थी कि 750 गाँव में तो मीटर वीटर ऐसे घुस जाते हैं बिना उसके, कि जैसे मतलब कोई रोक टोक नहीं है, कोई पर्दा या कोई भी शालीनता की बात नहीं होती। तो आमतौर पर जो हम बार बार यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, जो सब लोग जनता या बैठे जनता यहाँ आ रही है, वो इसलिए आ रही है कि उनकी बिल की जो समस्या है, मीटर की समस्या, गलत मीटर लगे हुए, तमाम दिक्कत है। यहाँ पे सभी लोगों ने और यहाँ पर आने भी आए उनके द्वारा काफ़ी समस्याओं से मुझे अवगत हुआ, इससे पूर्व भी मुझे कुछ यहाँ पे दिक्कत आई थी, क्योंकि हमारा जो पूरा उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन मीटर रीडिंग का सिस्टम है, वो सिस्टम को हमने इसी कारणों से सब रोक लगा दी थी। वो हमारे नए जो मीटर रीडिंग का जो एग्रीमेंट है उसमें प्रत्येक मीटर रीडर को हर घर पे जाके फोटो सहित मीटर रीडिंग लेनी है, ताकि हर घर में हमारा आदमी पहुँचे और सही रीडिंग करे। तो इस रीडिंग के माध्यम से शुरू में जिन लोगों ने कुछ घटने की थी, उस वजह से कई लोगों के बिल ज़्यादा आ गए। हमने पिछले मार्च से हमने कई जगह हमने ठीक भी किया था, और अब हमारा जो एक महीने का जो समय हमने दिया है विधायक जी को, उसमें हम लोग प्रत्येक गांव में जाके कैंप लगाएंगे, और मैं उनसे आशा करता हूं कि सभी लोग जिनके बिल खराब हैं उन कैंप में आएँ और उन बिलों का सुधार करवाएं हमसे, और उसके बाद अंत में हम लोग जैसा आप लोगों ने सजेस्ट किया कि हमारे जो ऑफिस है ये सितारगंज का, इसी सितारगंज ऑफिस में एक बड़ा सा कैंप और लगाएँ, जहाँ पर सारे